आरती ने अब रोहित से बातें करनी बंद कर दी थी, क्योंकि रोहित को पता चल गया था कि आरती उसे धोखा दे रही है। लेकिन अब कहानी सामने आई, क्यों रोहित ने एक 20 साल की खूबसूरत लड़की आरती की बीच चौराहे पर बड़ी बेरहमी से हत्या कर तो दी। साथियों, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वाजिद अली, आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल, और आज की कहानी है मुंबई के वसी एरिया की। आज मैं आपको एक ऐसी दर्दनाक खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जब आप उस कहानी को सुनोगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या कोई आशिक इतना बेरहम भी हो सकता है कि वो दिन दहाड़े बीच चौराहे पर अपनी प्रेमिका की बड़ी बेरहमी से हत्या कर सकता है। तो साथियों, आज की कहानी है मुंबई शहर के वशी एरिया की। आरती और रोहित दो कैरेक्टर है आज की कहानी में, दोनों पड़ोसी है और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। 6 साल से उनके बीच रिश्ता बना हुआ था, और इस रिश्ते के बारे में आरती के घर वालों को भी पता था, उसके पापा को भी पता था, उसकी मम्मी को भी पता था कि आरती और रोहित एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस रिश्ते को 6 साल हो चुके थे। रोहित जो कि एक अनाथ लड़का था, मजदूरी करता था, हर महीने 12-13 हज़ार रुपये कमाता था, लेकिन वो जितना पैसा कमाता था वो आरती के परिवार को दे देता था, क्योंकि उनके घर पर, आरती के घर पर उनका आना जाना था। उसकी फैमिली में कोई नहीं था, वो अकेला रहता था, और वो जितना भी पैसा कमाता था वो पूरा पैसा आरती के परिवार को दे देता था। इस उनके प्यार के बारे में, उनके प्रेम के बारे में आरती का परिवार अच्छी तरह से जानता था कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनकी शादी की बात होती है, लेकिन आरती इस रिश्ते के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होती। हालांकि आरती भी रोहित को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन आरती ये चाहती थी कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ना है, और जब मैं सेटल हो जाऊँ इसके बाद मैं रोहित के साथ शादी कर लूँगी। तो रोहित ने जो पैसा कमाया वो आरती के परिवार को दिया, उससे आरती को पढ़ाया, और फिर पढ़ने के बाद आरती की कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग जाती है, और उस नौकरी लगवाने में रोहित की बहुत बड़ा योगदान होता था, क्योंकि रोहित ने बहुत सारा पैसा कमाया और वो आरती के परिवार को दिया। उस पैसे से ही क्या है, आरती पढ़ी और उसकी नौकरी लगी। लेकिन साथियों, ट्विस्ट अब यहाँ से शुरू होता है। आरती नौकरी करना शुरू कर देती है, और आरती जब नौकरी से वापस आती थी तो उसको कंपनी का ही कोई दोस्त उसको उसे छोड़ने आता था। ये सब देखा रोहित ने, रोहित को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन हर रोज़ की यही कहानी कि आरती जब भी ड्यूटी से वापस आती उसका दोस्त उसे छोड़ने आता। लेकिन एक दिन रोहित ने आरती को एक ऐसी हालत में देखा, एक ऐसी कंडीशन में देखा कि रोहित से वो बात बर्दाश्त नहीं हुई। ऐसा क्या देखा रोहित ने आरती को लेकर कि उसे इतना गुस्सा आया, उतना गुस्सा आया कि उसने उसी वक्त आरती को मारने का प्लान बनाया। तो साथियों, हुआ ऐसा कि जब एक दिन आरती को उसका दोस्त छोड़ने के लिए आया हुआ था, तो रोहित ने आरती और उसके दोस्त को किस करते हुए देख लेता है। जी हाँ, उस हालत में देख लेता है जहाँ कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी प्रेमिका किसी की बाहों में हो और उसके साथ किस करे। लेकिन रोहित ने अपनी प्रेमिका आरती को उसके कंपनी के दोस्त की बाहों में देख लेता है कि वो उसे किस करता है। बस अब रोहित से रहा नहीं जाता, वो उसे मारने का प्लान बना लेता है। फिर वो क्या करता है, उसकी हरकतों को, आरती की हरकतों को उसके पेरेंट्स से बोलता है, उसकी फैमिली वालों से बोलता है कि आपकी बेटी ऐसा ऐसा कर रही है, और कंपनी से कोई आदमी है जो उसको छोड़ने के लिए आता है, उसके उसके क्या रिलेशन बने हुए हैं। लेकिन घर वालों को यकीन नहीं होता, लेकिन रोहित के सर पे क्या है, भूत सवार हो जाता है कि वो लड़की जिसे वो 6 साल से प्यार करता है और अपनी मेहनत का जितना पैसा कमाता है वो सब आरती के परिवार को दे देता है, तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है। तो वो क्या करता है, आरती के घर पे जाता है, आरती के साथ मारपीट करता है, उसका फोन भी फोड़ देता है। फिर आरती क्या करती है, उसकी कंप्लेन क्या है, पुलिस में कर देती है। अब उसे और गुस्सा आ जाता है। पुलिस आती रोहित को समझाती कि तुम्हें आगे ऐसा नहीं करना। तो रोहित क्या करता है, पुलिस जब उसे हिदायत देती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हारी प्रेमिका है, तुम उसे इतना प्यार करते हो, तो रोहित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उन पुलिस वालों से बोलता है कि इसने मेरे साथ धोखा किया। खैर, पुलिस उनको क्या है, समझा बुझाकर घर भेज देती है। लेकिन रोहित के सर पे भूत सवार था, वो क्या करता है, एक लोहे की रिंच होती है ना, चाबी टाइप को, उसको लाता है। और फिर जब एक दिन आरती नौकरी के लिए ऑफिस जाती तो
तो रोहित उसको रास्ते में बीच चौराहे में रास्ते में ही पकड़कर उसके सर पर 10-15 बार उस लोहे की रेंच से कर देता है, जिससे वह लहूलुहान होकर सड़क पर ही गिर जाती है। दिन दहाड़े ये हत्या ये मर्डर पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। आरती के घर वालों को पता चलता है, पुलिस में कंप्लेन होती है और पुलिस आती है। बीच चौराहे पे हुई इस दिन दहाड़े हत्या से क्या है, पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस आती है और रोहित को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथियों जब रोहित के स्टेटमेंट होते हैं तो रोहित बताता है कि मेरा और आरती के साथ पिछले 6 सालों से क्या रिलेशन था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैंने जितना पैसा कमाया वो सब आरती के परिवार वालों को दिया, आरती को दिया। मैं खुद पर्सनल अपने लिए 1000 रुपये रखता था महीने में। मैं जितने भी पैसा कमाता था वो आरती के परिवार को जाता था। मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे माँ नहीं है, माँ बाप नहीं, मैं अनाथ हूँ। लेकिन मैंने आरती के परिवार को परिवार समझा, लेकिन आरती ने मेरे साथ चीटिंग की, मेरे साथ धोखा किया। मैं उसे इतनी मोहब्बत करता था, मैं उसे खुश रखना चाहता था, लेकिन उसी ने क्या है मेरी पीठ में खंजर घोंपा है, मेरे साथ धोखा किया है, मेरे 6 साल के प्यार के साथ विश्वासघात किया है। इसलिए मैंने उसकी गुस्से में आकर आक्रोश में आकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। तो साथियों मुंबई शहर की वशी शहर की एक घटना हम सबको एक बात सिखाती है। देखिए हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, कोई भी रिलेशन हो सिर्फ एतबार का रिलेशन होता है, लेकिन अगर आप पीठ पीछे किसी को धोखा देने में कामयाब भी हो जाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगला आदमी पागल है। वो जानता तो सब कुछ है, लेकिन वो उस वक्त का इंतजार करता है जिस वक्त वो आपको दिखाना चाहता है कि आपने मेरे साथ धोखा किया। लेकिन अगर आप इसके बावजूद भी उसे धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो साथियों आप उसे नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हो। यही कहानी आरती और रोहित की इस स्टोरी में थी कि आरती ने रोहित को धोखा दिया, किस लिए, वही एक्सटर्नल मतलब दूसरे अफेयर के लिए। रोहित उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने उसकी क्या अहमियत को नहीं समझा, उसी के साथ चीटिंग की और फिर रोहित ने गुस्से में आकर उसके बीच चौराहे पर बड़ी बेरहमी से क्या हत्या कर दी। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम किसी के साथ चीटिंग ना करें, क्योंकि अगर हम किसी के साथ चीटिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है वो लौट के हमारे पास ही आएगी, हमारे साथ भी धोखा होगा, और जब हमारे साथ धोखा होगा तो ऐसा खौफनाक मंजर लेकर आएगी जिसको हम सोच भी नहीं सकते। आपने अक्सर देखा होगा जिस तरह से ये अवैध रिलेशन बनते हैं, ये रिलेशनशिप में जो रिश्ते होते हैं ना, इनका अंत बहुत बुरा होता है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर कोई हमें चाहता है, कोई हमसे प्यार करता है, हमारी वैल्यू रखता है, तो हम इसके साथ वफादारी करें, उसके साथ धोखा ना करें। तो आज की कहानी थी मुंबई शहर के वशी एरिया से। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये कहानी कैसे लगी, क्या रोहित को आरती का मर्डर करना चाहिए था या नहीं, क्या आरती रोहित के साथ गलत कर रही थी, आप हमें कमेंट करके बताएं, और मेरे यूट्यूब चैनल से आप तमाम ऐसी कहानी देखते रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।